क्या हालचाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 3 गेमिंग TWS ईयरबड्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले है बोट इमोर्टल 131, सेकंड है नॉइज बड्स कॉम्बैट एंड थर्ड है विंग्स फैंटम 850। और यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे इनके सभी फीचर्स के बारे में। और इन तीनों ही TWS में आप गेमिंग को इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गेमिंग पर्पज के लिए ही दिए गए हैं। इनमें आपको तगड़ी साउंड क्वालिटी सुनने को मिलेगी, लॉन्ग बैटरी बैकअप दिया गया है और डिजाइन भी काफी यूनिक देखने को मिलता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि इन तीनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। और यहाँ ये बिल्कुल फ्री है और साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है। वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। तीनों केस के फ्रंट साइड में इनकी कंपनी की ब्रांडिंग मेंशन की गई है और तीनों ही केस में डिफरेंट टाइप के डिजाइन का यूज किया गया है और तीनों में आपको LED लाइट देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ बोट इमोर्टल में ब्रीथ RGB लाइट का यूज किया गया है, जो कि ओपन एंड क्लोज करने में थोड़ा सा कलरफुल देखने को मिलता है। और यहाँ विंग्स फैंटम की बात करें तो इसके केस में विंग्स लिड का यूज किया गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो कि डिजाइन वाइज थोड़ा सा यूनिक देखने को मिलता है। और इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी तीनों में ही काफी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन नॉइज का केस थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में अच्छा देखने को मिल जाएगा, जो कि थोड़ा सा सॉलिड फील होता है। और यहाँ ओवरऑल अगर बात की जाए तो डिजाइन आपकी पर्सनल प्रायोरिटी हो सकती है, क्योंकि तीनों ही काफी अच्छे डिजाइन के साथ आते हैं। और ईयरबड्स की बात करें तो तीनों ईयरबड्स में इन ईयर डिजाइन का यूज किया गया। तीनों में LED नोटिफिकेशन लाइट दी गई, जो इनकी कनेक्टिविटी को शो करती है। और तीनों में ही सिलिकॉन टिप्स का यूज किया गया, जिससे कि आप इन्हें अपनी ईयर साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही कंफर्ट एंड फिटिंग की बात करें तो तीनों ही काफी अच्छी फिटिंग प्रोवाइड करते हैं। तीनों में आपको 19-20 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, आप इन्हें लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। और फिटिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, इजिली पॉप आउट भी नहीं होते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो तीनों में ही IPX5 की रेटिंग भी दी गई, जिससे कि स्वीट एंड स्प्लैश प्रूफ भी बन जाते हैं। और इन तीनों ईयरबड्स के टॉप साइड में टच सेंसर का यूज किया गया, जिससे कि आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ टच भी काफी हद तक रेस्पॉन्सिव है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो तीनों में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट दिया गया। तीनों में ही वेक एंड पेयर का फीचर्स भी मिल जाता है। जैसे यहाँ चार्जिंग केस की लिड को ओपन करते हैं, ये ईयरबड्स आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ आपको फास्टली पेयर का ऑप्शन भी दिया गया है। और कोडेक की बात करें तो यहाँ बोट इमोर्टल में SVC और AAC कोडेक का सपोर्ट दिया गया, यानी कि हाई क्वालिटी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, जिसे आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में जाकर इनेबल कर सकते हैं। जबकि नॉइस एंड विंग्स में इस फीचर्स को मिसिंग रखा गया, यहाँ आपको किसी भी प्रकार के कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलता है। और यहाँ विंग्स फैंटम में आपको ऐप का सपोर्ट भी दिया गया है। इन ईयरबड्स को आप सिंक ऐप के साथ पेयर करके कस्टमाइज कर सकते हैं, तो यहाँ आपको एक एडवांटेज भी मिल जाता है। और साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ बोट में 10mm के ड्राइवर का यूज किया गया, जबकि नॉइज में 13mm के, और साथ ही विंग्स में भी 13mm के ही लार्ज स्पीकर ड्राइवर का यूज किया गया है। लाउडनेस की बात करें तो तीनों में आपको अच्छी लाउडनेस सुनने को मिल जाएगी, लेकिन नॉइज और बोट में आपको हाई लाउडनेस सुनने को मिलती है, यानी कि आप 70 या फिर 80% वॉल्यूम पर ही प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत ज्यादा लाउडनेस दी गई है। और बेस की बात करें तो तीनों में ही काफी अच्छा बेस सुनने को मिलता है, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगा। लेकिन यहाँ बोट इमोर्टल में आपको हैवी बेस सुनने को मिल जाएगा, बेस की क्वालिटी काफी तगड़ी दी गई है। और वोकल्स की बात करें तो यहाँ नॉइज एंड बोट में वोकल्स में अच्छी क्लैरिटी सुनने को मिल जाती है, अगर आप 70 या फिर मैक्सिमम 80% वॉल्यूम पर प्रीफर करेंगे। अगर आप हायर वॉल्यूम पर प्रीफर करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन भी फील हो सकती है। विंग्स की बात करें तो यहाँ बेस की वजह से इसके वोकल्स हल्के से सरप्रेस हो जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी का इशू फील हो सकता है। लेकिन यहाँ विंग्स फैंटम में ऐप का सपोर्ट भी दिया गया, तो इसकी साउंड क्वालिटी को आप कस्टमाइज या फिर एनहांस भी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे आएगा बोट इमोर्टल, सेकंड पे नॉइज बड्स एंड थर्ड पे आएगा विंग्स फैंटम। और ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो तीनों में ENC का सपोर्ट दिया गया नॉइज कैंसिलेशन के लिए, और तीनों में ही क्वेड माइक का सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि पर ईयरबड्स में डुअल माइक का सपोर्ट दिया गया है। और यहाँ तीनों में आपको 19-20 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, तीनों ही डिसेंट परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं कह सकते। हाँ, नॉर्मल कॉलिंग के लिए आप तीनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी नॉइज एंड बोट में आपको वॉइस में अच्छी क्लैरिटी सुनने को मिल जाती है, और रिसीवर एंड पे भी क्लियर वॉइस सुनने को मिल जाएगी। और इंडोर एरिया की बात करें तो यहाँ तीनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आउटडोर या फिर ट्रैफिक एरिया की बात करें तो यहाँ बैकग्राउंड में नॉइज होगी, ENC बहुत ही अच्छे से वर्क नहीं करता है, जो कि एक तरह की फॉर्मेलिटी आप कह सकते हैं। तो यहाँ नॉर्मल कॉलिंग के लिए आप बोट या फिर नॉइज में से किसी को भी प्रीफर कर सकते हैं। और गेमिंग मोड की बात करें तो तीनों ही यहाँ गेमिंग TWS दिए गए हैं, तीनों में ही आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड का फीचर्स मिल जाता है। और यहाँ तीनों में ही आपको 40 ms की लो लेटेंसी दी गई है, जो कि एक तरह का कोइंसिडेंस भी आप कह सकते हैं। और तीनों में ही आप गेमिंग को एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ आपको माइनर ही लेटेंसी फील होगी। तो यहाँ गेमिंग के लिए आप इन तीनों TWS में से किसी को भी प्रीफर कर सकते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिए गए हैं।
और बैटरी लाइफ की बात करें तो तीनों में लॉन्ग बैटरी बैकअप दिया गया है, तीनों में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, जहां बोट में 40 आवर्स, नॉइज में 45 आवर्स और विंग्स में 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम दिया गया है और तीनों ही बैटरी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहां तीनों में आपको 2 से 3 घंटे का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया है और तीनों में ही बैटरी ड्रेन से रिलेटेड भी कोई इशू देखने को नहीं मिलता है और यहाँ तीनों में ही बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी दी गई है। लेकिन यहाँ कंडीशन भी डिपेंड करती है, 60 या फिर 70% वॉल्यूम पर ही आपको ये प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा। अगर आप हायर वॉल्यूम पर प्रीफर करेंगे तो बैटरी बैकअप और भी कम हो सकता है। तो यहाँ सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो बैटरी लाइफ आपके यूजेज पर भी डिपेंड करती है। दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, इन तीनों TWS में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। देखो यहाँ तीनों ही काफ़ी बेहतर TWS दिए गए हैं, तीनों में अपने कुछ यूनिक फीचर्स भी मिल जाते हैं और तीनों में रिजेक्शन का कोई भी मोटिव नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ फर्स्ट नंबर पे रखेंगे बोट इमोर्टल। देखो बिल्ड क्वालिटी डिजाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है, RGB लाइट भी दी गई है, कनेक्टिविटी के सभी फीचर्स मिल जाएंगे, हैवी बेस सुनने को मिल जाएगा, हाई लाउडनेस भी दी गई है। अगर आपकी प्रियोरिटी बेस है तो आप जरूर से इसे रिकमेंड कर सकते हैं, इसमें काफ़ी तगड़ा बेस सुनने को मिल जाएगा। सेकेंड नंबर पर रखेंगे नॉइज बड्स कॉम्बो। देखो डिजाइन काफी सिंपल दिया गया और लाइटिंग वगैरह बहुत ही कम दी गई है, अगर आप एक सिंपल केस प्रीफर करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। और यहाँ केस की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी गई है, इन हैंड में भी काफी सॉलिड फील होता है, लॉन्ग बैटरी बैकअप दिया गया, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी सुनने को मिल जाएगी, ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी दी गई है। तो अगर आपको फीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इसे भी प्रीफर कर सकते हैं। और बात करें विंग्स फैंटम की, तो इसके केस की बिल्ड क्वालिटी डिजाइन काफी यूनिक दिया गया, अगर आप इसे शो ऑफ करना चाहते हैं तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। यहाँ लॉन्ग बैटरी बैकअप मिल जाएगा, साउंड क्वालिटी अच्छी सुनने को मिलती है, साथ इसमें ऐप का सपोर्ट भी दिया गया है, तो यहाँ इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो यहाँ एक एडवांटेज भी मिल जाता है। दोस्तों यहाँ कोई भी TWS परफेक्ट नहीं होता है, सभी में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स दिए गए होते हैं, आपको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही TWS को परचेज करना चाहिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।